पूछे तो कहना असलम सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया। 50:30 हो रहे हैं, यहाँ से 35 हो रहे होंगे, ठीक है। और मैं ऑटो शॉप पे पहुँचना था पूरे 5, मेरी आँख नहीं खुली। मैं 12 बजे तक व्लॉग एड करता रहा, उसके बाद मैं सोया हूँ। मैं एक घंटा, मैं कहता एक घंटा सोऊंगा, उसके बाद मैं उठ के आराम से कौन से शो पे चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया। ओके भाई, अब आपको सर शो पे जाके मिलेंगे, थोड़ा सा रस्ते में आपको दिखाएंगे। उसके अलावा गड्डी चला खुदा ना ही। अच्छा, मैं निकलने वाला था लेकिन मैं इंस्टाग्राम बड़ा हुआ था। मैं आप लोग सबसे पहले ये कहता हूँ, काश भैया आप गाड़ी भी ले रहे हो और साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो अपनी गाड़ी में, सेविंग भी करते यार, कैसे करो, खर्चे वगैरह कैसे पूरे करो, मतलब हर एक चीज़ सिरेमिक भी करा लिया है और आप लोगों को ट्रेडिंग आ भी नहीं रही। तो मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा फिर ट्रेडिंग सिखाता हूँ, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगी फिर भी तो बताना, मैं इसमें ज़्यादा वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग का पता चले। वीडियो प्ले करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको जल्दी से डाउनलोड करो, उसके बाद आगे के सीन में आपको दिखाता हूँ। जब आप लोग बायनोमो ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है और ये मैंने रियल अकाउंट ही खोला हुआ, ठीक है। अब करना क्या आप लोगों ने वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने आराम से सोच समझ कर तना स्ट्राइक रेट देखे कि ये ऊपर जाएगा बार के नीचे आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले हम, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं इसमें पहले अमाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे जाके अमाउंट इस पर मैं लगा दूंगा 10,000। हम 10,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो बार है ना ये नीचे आएगा, अब नहीं नहीं बल्कि ये ऊपर ही जाएगा। चलिए हमने ऊपर भी लगा दिया, और ये ले इतनी आसानी से ये वाली ट्रेड आपके भाई ने आराम से कौन से जीत लिया, और ये अकाउंट, ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रेफरल कोड का, कि रेफरल कोड क्या सीन होता है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है रेफरल इनवाइट फ्रेंड, सॉरी आप लोग इधर जाएं, ये है शेयर लिंक। ये शेयर लिंक आप लोगों ने अपने दोस्तों से शेयर करना है, जितने लिंक आप लोग शेयर करेंगे आपको $20 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बात आप लोग पूछते हो यार काश भाई बैलेंस आउट करना है, यार बैलेंस निकलवाना, वो हम कैसे निकलवाए। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखा होगा बैलेंस, ठीक है। आप लोग इधर जाएं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। आप लोगों ने विड्रॉ पे जाना है, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। आप लोग यहाँ पे अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है, और ये लें, ये मेरी अमाउंट विड्रॉ हो गई है। इंतजार किस बात का कर रहे हो यार, जल्दी से बैनोमो को डाउनलोड करो और यार आराम सुकून से पैसे कमाओ। सारी रात ये सोता रहा, ठीक है, पूरे इस शो को लेट करवा के ना सबको बाहर खड़े हैं, इसे मुकदमा खत्म करवा रहा है। हमें समझाते नहीं हो यार आप इसको, मैं समझाता हूँ। ओके गाइस, मैं रेडी हो गया, लेकिन मेरे जो ग्लासेस है ना वो रह गए मेरी गाड़ी में, और मैं शो पे ऐसे ही जा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। हमारे पास भी एक ही गाड़ी मार्केट से, हमारे पास बंदे हैं साथ, हम एक और बंदे का वेट कर, लेकिन मैं नहीं करूँगा, हम निकलने लगे, चार भी यहाँ बिठा जाएंगे हम। आज गाइस ये कार गाइस की बंदे जा कर रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5 चांद को वहाँ पे उतारे जी, चांद का ड्राइवर आ रहा था, मैं तो ड्राइवर के साथ ही आ जा। सबसे पहले मैं एटीएम मार लूँ, उसके बाद ऑटो शॉप जाएंगे, सो जगह ऊँची हो जाए बंदे के साथ। जैसे कि हम एक्सपो सेंटर पहुंच गए, वहाँ पे देखे रश कितना टिकटों का, यानी कि वहाँ कितना ज्यादा पैसा छाप रही है, हमने अपने मार्केट सामान लगाई है, और चले कोई बात नहीं, सही नोटिफिकेशन शर्ट भी बनवाई हुई है, भाई लाइट एक्सपर्ट, क्या बात है। इनशाला एंट्री करते हैं अपनी गाड़ी के पास जाता है, उसके बाद आपको बाकी गाड़ी की चाबी कहाँ है? ओए शुक्र है, मैं तो कहा घर है, बस ठीक है भाई, अल्लाह खैर करे।
आप सबने मेरा दिल खुश किया, मेरा दिल खुश हुआ एक दफा पता लगा कि लोग कौन है। होती रहेगी, ठीक है, आप सब भी छोड़ जाइए, ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। यस बॉस, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। What you do, what you do, what you do to me?
जो वहां पे आए थे, जो मुझसे मिलने आए, जो जो वेट करके चले गए उनसे भी, और जो रह गए मिलने के लिए यार उनसे माजरत है। बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत देर बाद रोड शो पे आया, मुझे लगा शायद सब कुछ डेड हो गए कहीं। यकीन मानो आप लोगों ने जब इतना प्यारा दिया ना, मैं कहा यार ओके दोबारा से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी सारी गाड़ियाँ मिलकर घर जा रही हैं, बस उधर मार्केट से इधर हमारी गाड़ी, पीछे और गाड़ियाँ भी हैं, ठीक। भूख बहुत लगी है, मैं नाश्ते के बगैर आप सामने उठ के आ गया, ठीक है। और अब मेरी हालत खराब हो गई, ठीक है। बस यहाँ पे हमने कहीं पर रुकना है, रिंग रोड पर वीडियोस एयर ड्रॉप करनी है, और उसके बाद कहीं कुछ खाए पिएंगे। बस ये गाड़ी खरीदी थी, ये गाड़ी थोड़ी रिस्की है गाड़ियों की। मनो इस वक्त इतनी सख्त नींद आई हुई है कि मैं एडिट करना बहुत मुश्किल है। पिछले लोग भी रहता है अभी, ठीक है। आप लोग इससे पहले मैंने पिछले वक्त देखा होगा, वो लगा लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ घर, आराम से कोई घंटा दो घंटा तो रेस्ट करूँ, उसके बाद लोग एड करने का सोच रहा हूँ। कुछ खाने चलते हैं पहले भाई, नहीं रहेंगे। बाकी मैं ना बहुत लेट हो गया हूँ घर से, तो सुबह का निकला हूँ आपको पता है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह गाइस, आपको शो का मजा आया होगा। अच्छा सॉरी, उस दिन मतलब कि रात को जो है ना, वो वैसे बात थक गया था, मैं नाश्ता नहीं किया होता, बहुत रहा बस, और मेरी बहुत तबीयत खराब होती थी। सर हम लोग एंड में सही कर सका ही नहीं यार, जब मैंने कहा आप लोग इतना अच्छा मैंने बनाया है तो फिर इसकी एंडिंग क्यों मैं खराब करूँ। देखो अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हो, आप लोगों को अच्छा भी लगा ये व्लॉग, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पर भी हो सके तो चले जाना, फॉलो शुरू कर लेना। ये तकरीबन 1.5 साल बाद शायद ऑटो शो पर पार्किट से गया था। बेसिकली बात से विद सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं पार्किट में नहीं जाता, ये आप लोगों के लिए ही मैं ऑटो शोज वगैरह मतलब अटेंड वगैरह दोबारा किया। और ना आपको पता कि मैं ऑटो शोज वगैरह करना छोड़ दिए थे, मैं किसी ऑटो शो में जाता भी नहीं था, और बड़ी देर हो गई थी नहीं गया था। तो अभी तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, अभी तो मेरे पास फ्रंट व्हील गाड़ी है। इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में जब मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगा तो रियल व्हील ड्राइव, तब आप लोगों को और मज़ा आएगा, तब चाहने वाले भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी जितने हेटर्स वगैरह या जिनको मैं बुरा लगता हूँ, तो बस दिल से जो मैल होती है यार करनी, ज़रा उसको बाहर निकाल दो। फ़ायदा कोई नहीं है हेट करने का भी, मेरे कौन सा कोई कुछ किया आप लोगों से, ये आप लोगों को खाने के लिए देता हूँ, आप लोग मुझे देते हो। कहानी को ख़त्म करते हैं, जो गाड़ी का नुकसान हुआ कोई चक्कर नहीं है, होता रहता है। गाड़ी मेरी थोड़ी है, गाड़ी आप लोगों की है। गाड़ी के मेरे से ऊपर चढ़े रहते हैं, जो मर्जी करते, चिल सीन है। हमने दुखता कोई और बार का मरता अलग बात है, लेकिन आप लोगों की खैर, आप लोगों से कोई जान के किया है, अनइंटेंशनली किया आप लोगों ने, गलती से आप लोगों को जाहिर सी बात है, वो भी चढ़े हुए थे, मैं भी चढ़ा हुआ था। आप लोगों की गाड़ी है, आप लोगों के देखते हो मुझे, तो मैं जाके ये चीज़ें करता हूँ ना, हमारे अंदर कोई शौक भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच एवरी वन, स्पेशल थैंक्स टू अल्लाह। मतलब कि जाहिर सी बात है कि नमाज़ तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आप कोशिश पूरी करूँगा नमाज़ वगैरह पढ़ूँ, तब इतनी इज्जत मिली है। और फिलहाल ये कुछ सीन्स हैं, और इसको मैंने तो कपड़ा देकर रखा हुआ है, और टायर टूट गया, मैं पेंट दोबारा करा लूँगा यार इसको, लेकिन अब उतारना पड़ना मुझे दोबारा, ऐसे नहीं ये करनी। लेकिन आए हाय हाय लिमोनिका बेबी। चलें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मुझे पता आप लोग मेरे व्लॉग देखना रुक जाते हो, बीच में छोड़ देते हो, क्योंकि मैं भी बीच में बनाना छोड़ देता हूँ, तो आप लोग भी छोड़ देते हो, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा बनाई जो रेगुलरली। बेसिकली मैं ज़्यादा बना भी नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट की कमी भी हो जाती है, और मतलब कि घर से मैं शुरू भी नहीं कर सकता, फैमिली लेकर आना अलाउ नहीं है मुझे, तो मैं अपना ही लगा रहता हूँ जो भी करता हूँ। तो आप लोग बस देख लिया करो यार, अल्लाह हाफिज़।